और भगवान यदि आपको समृद्धि दे, मैं आपको कहता हूं आपके अधिकार में आए, तो सनातन धर्म के कोई संत महंत, कोई ब्राह्मण, कोई भी हो, किसी भी कारण से षड्यंत्र का भागी न बने। आज हमारी न्याय व्यवस्था देखेंगे। मैं कहना चाहूंगा संत श्री आशाराम बापू के बारे में, जब सनातन धर्म को कोई पूछता ही नहीं था, कोई जानता नहीं था, चैतन्य महाप्रभु के बाद हरि ओम का डंका नाद ब्रह्म जिसने छेड़ा है, आज ऐसे संत किसी सनातन राजतंत्र के द्वारा उनके शासन काल में 12-12 वर्ष से पीड़ित हो रहे हैं, और वही राजतंत्र के अग्रगणी कुछ वर्ष पूर्व उन्हीं से आशीर्वाद लेने उसी व्यासपीठ पर जाया करते थे। कभी कभी तो हमें व्यासपीठ से भी डर लगता है कि कहीं हम कुछ बोल दे, देश हित में ना कोई अंदर डाल दे, तो क्या हमारे पीछे वाले भाई हमें बाहर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। हमें विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सनातनियों पर। जहां पर देश में एक और सांता क्लॉस नाम के जोकर का प्रचार प्रसार हो रहा था, हमारे भारत के युवाओं को जोकर बनाने की व्यवस्था हो रही थी, उस समय में किसी संत ने, किसी महंत ने तुलसी पूजन का डंका, तुलसी पूजन का उस दिन को आयोजन रखा। जहां पर एक और वृद्धावस्था का चलन रेबिन काटी जा रही है, वृद्ध लोगों को घर से खदेड़ दिया जाए, गंगा में कई वृद्ध लोग प्रवाह में बहते जा रहे थे, ऐसे में किसी एक संत ने 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया। अपने माता पिता का आदर करो, ताकि कोई माता पिता अपने घर से बाहर क्यों निकले, क्यों वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में जाए, क्यों कोई गंगा में कूद पड़े। आज 5-5 वर्ष का राजतंत्र का क्रम बदलता रहा, आशीर्वाद लेते रहे, और आज ऐसे संत बंदी ग्रह में है, जेल में है। मैं तो कहता हूं कि विश्व से बड़ा यदि कोई पदक है ना, उनको दे दो ना ऐसे संतों को, तो भी कोई समाज उसका प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। मेरे भाई, कोई इसका प्रायश्चित नहीं कर सकता है। संत का सत्कार होना चाहिए। मैं तो कहता हूं हमें कहना पड़ रहा है विवश होकर कि हमें हमारी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैं भी कहता हूं मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन हमारे न्यायपालिका में पारदर्शिता आनी चाहिए, जिसमें विदुर नीति, चाणक्य नीति और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ होने चाहिए, जिससे ऐसे संत कभी बंदी ग्रह में विवश होकर न पड़े रहे। उनके यह जो महापुरुष जो अंदर पड़े ना भाई, वे वेद व्यास स्वरूप है आशाराम बापू, और उनके सुपुत्र सुखदेव स्वरूप है। ऐसे संतों को अंदर डाल के कहां तक हम राम राज्य ले आएंगे। हम क्या सोचते हैं, ये इनकी समस्या है। मैं तो राजतंत्र से करबद्ध हाथ जोड़कर 12 वर्ष तक मेरी व्यासपीठ मौन रही, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो बड़ी बड़ी व्यासपीठों को भी कहता हूं कि जिन व्यासपीठों से धर्म और अधर्म का मापदंड तैयार किया जाता है, उन व्यासपीठों से चूं तक नहीं निकली ऐसे संत के विषय में। धिक्कार है उनको, क्या तुम्हारे फॉलोवर्स घट जाएंगे? टिल द एंड, ऐसा तो क्या अपराध कर दिया था कि मृत्यु पर्यंत बंदी ग्रह में ही वे मरे। खाली 0 FIR में, जब तक जीवित है तब तक जेल में ही मरे। ये हमारी न्यायपालिका, मुझे भी पूरा विश्वास है, मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि मुझे मेरे न्याय तंत्र पर पूरा विश्वास है।
ऐसे। शिक्षा के द्वारा, इंटेलिजेंसी के द्वारा कोई बड़े पद पर तो पहुंच जाएगा, लेकिन धर्म के अभाव में क्या वो सही निर्णय ले पाएगा? आप मुझे बताओ। हाँ, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, खाली कोरी विद्या है, कोरे शास्त्र है, कोरी विद्या है, इंटेलिजेंसी है। मैं तो निवेदन करता हूं व्यासपीठ से कि रामलला को बाहर तंबू में से मंदिर में लाने से पहले ऐसे संतों को आगे आना चाहिए और ऐसे महापुरुष को बाहर लाकर उनके कर कमलों द्वारा रामलला अयोध्या में आने चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है। व्यासपीठ सच नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? जिस राष्ट्र में कवि और प्रवक्ता ये दो चुप हो जाते हैं ना, उस राष्ट्र का पतन हो जाता है।